मेरा नाम सादिखा है। मैं सऊदी में आके अटक गया है, सऊदी अरब में। मैं इधर, मेरे मैडम कफ़ील मुझे हरासमेंट केस है, हरासमेंट कर रहा है डेली, मुझे सता रहा है, खाना नहीं दे रहा है, पानी नहीं दे रहा है। और मुझे इंडिया जाना है, मेरा देश को जाना है, इंडिया को। मैं उसको इंडिया भेजो बोलेगा तो नहीं भेज रहा है, बोल रहा है मुझे पैसा नहीं दे रहा है, सैलरी बराबर नहीं दे रहा है, घर में खाना नहीं दे रहा है कफ़ील, और मुझे बचा लो। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। आप एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो देखा, बहुत दुख होता है ऐसे वीडियो देखकर। जो भी लेडीज़ काम पर आना चाहती है गल्फ कंट्री में, चाहे हाउस मेड हो या किसी भी फील्ड में, तो वह सोच समझ कर आए। ये जो आपने वीडियो देखा, आंध्र प्रदेश की रहने वाली है, यह मुझसे 2 महीने से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, तो फाइनल इंस्टाग्राम पर कल जाकर बात हुआ और ये आई थी ताइफ में हाउस मेड में काम करने के लिए। किसी कारण इसका कपिल ने मकतब पर छोड़ दिया और वहाँ से वह रियाद में आई, और वहाँ पर ना टाइम से सैलरी मिल रहा था और ना टाइम से खाना मिल रहा था, और ये अपने देश जाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। तो मैं जितना हो सकता था इनका हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और इन्होंने भी ट्विटर इंडियन एम्बेसी और विदेश मंत्रालय और इंडियन की गवर्नमेंट और सऊदी गवर्नमेंट को टैग करके ट्वीट किया है, और ट्वीट किए हुए इसे 1 हफ्ते हो गए हैं, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। जो इन्होंने ट्वीट पर ट्वीट किया है आप लोग सामने देख सकते हैं डिस्प्ले पर, इनका पूरा लिस्ट है, ये वीज़ा कॉपी है। इस तरह से जो भी गल्फ में काम करने के लिए आना चाहती है सोच समझ कर आएँ। इस वक्त जो गल्फ की हालात है बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर आप किसी भी कंट्री में जाते हैं तो सबसे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होता है हाउस मेड में। अगर हाउस मेड में अगर सऊदी अरबिया में या बहरीन जा रहे हैं, चाहे किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, तो उस वक्त आपको इस बात का ध्यान देना है कि आप जहां से भी वीज़ा लगवाते हैं, वीज़ा लगवाने के बाद वीज़ा की कापी और जिस ऑफिस से आपका वीज़ा लगा है उसका एड्रेस अपने घर वालों को देकर हमें कल को ऐसे मुसीबत में आ जाएं तो घर वाले जाकर बात कर सकते हैं, या जिस ऑफिस से काम के लिए आई है ऑफिस में जब कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करती है तो ऑफिस वाला फ़ोन नहीं उठाता है। हालांकि इंडियन एम्बेसी और विदेश मंत्रालय कोई भी जल्दी वर्क नहीं करता है क्योंकि इसका प्रोसेसिंग में टाइम लगता है, पता नहीं कितना दिन टाइम लगता है, 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीना भी लग सकता है। यह हो सकता है कि इस मैसेज को रिस्पांस ना दिया हो, नोटिस दब गया हो, देखा ना हो। इस वीडियो का बनाने का मेरा मेन मकसद यह है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उसका हेल्प हो सके। ऐसे केस में क्या होता है, अगर इंडिया में पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर दर्ज कराते हैं, विदेश मंत्रालय में जाकर अर्जी लगाते हैं, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। या आप सोच रहे हैं कि डायरेक्ट कपिल से बात करें या इंडियन एम्बेसी से बात करें तो कोई सुनने वाला नहीं है। दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का मकसद यह है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसका हेल्प हो सके। ऐसा वीडियो देखकर मुझे बहुत ज़्यादा दुख भी होता है और बहुत ज़्यादा अफसोस भी होता है।